इस वक्त हमारा सोशल मीडिया मुझे लग रहा है कि किसी तरह से बर्स्ट हो जाएगा, किसी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इतने बेतहाशा में मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें लोगों के क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, आप लोगों में क्वेश्चंस भेज रहे हैं, और वो सारे सवाल मुझसे नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद बहुत सारे आज सवाल हैं। हम पूछेंगे फातिमा से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप किस तरह से, अगर सर्दियों में आपको कोई शादी अटेंड करनी है तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और आप किस तरह से अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि आपका स्टाइल भी ख़राब ना हो, आपके कपड़े भी ना छुपे, लेकिन साथ में आपको ठंड भी ना लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सबीन? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। फातिमा, आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक है ना, वो हमने डिसाइड नहीं किया बेसिकली, तो वो लोगों ने डिसाइड एग्जैक्टली कि आज ये टॉपिक होना चाहिए। तो डेफिनेटली शादी हर आजकल ना हर जगह शादी हो रहा है। हाँ. मतलब होता है जिस टाइप, मुझे हमेशा लगता है मार्च के एंड पे और दिसंबर के एंड पे बहुत ज्यादा शादियां, फिर सर्दियों में तो बहुत ज्यादा आप देख रहे होते हैं मौसम अच्छा होता है, कहते हैं मौसम अच्छा है तो आपको, गर्मियों में अक्सर ये होता है कि चाहे पसीना आ रहा है, मेकअप भी बह गया और यू नो, लेकिन आप देखो कि इस दफा ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस दफा हमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा प्लान उस तरह भी करना पड़ेगा कि ठंड भी बहुत तरह की आ गई है और अब हमारे वायरल भी हैं और बीमारियां भी बड़ी अजीब अजीब किस्म की आ रही हैं, लेकिन शादियां स्टॉप नहीं हुई, शादियां ठीक है, शादियां जो है वो ऑन है। तो वो वाली बातें क्या, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि सर्दियों की शादियों पर किस तरह ख्याल रखा जा सकता है, और बेसिकली आपकी ड्रेसिंग और ये चीजें क्या मैटर करती है। ठीक है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो से पहले मटेरियल्स के बारे में बता दूं, क्योंकि फिर ये वही मटेरियल्स होंगे जो आपको हमारी वीडियोस में नजर आएंगे। ठीक है, अगर हम मटेरियल्स कहें ना कि आजकल के इन मटेरियल्स क्या है, देखो सबीन कुछ भी करके तीन फंक्शंस तो मिनिमम अभी भी हमारे होते ही हैं, ठीक है, मेहंदी, बारात और वलीमा, और अगर हम लोग शेंदी कर लेते हैं जो बारात और मेहंदी को मिक्स कर लेते हैं, हाँ। तो वो फिर भी आपके दो फंक्शंस तो हैं ही। तो अगर आप फैब्रिक्स का पूछो कि इन शादी विंटर की शादियों के, देखो आप वेलवेट के साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, ठीक है, वेलवेट है आपके पास, प्लची है, और अगर हम दूसरे मटीरियल्स में जाएँ तो सिल्क के ऊपर आपकी चुनरी बहुत ज्यादा इन है, शिफोन की चुनरी इज नॉट इन, वी हैव टू मेक श्योर कि गर्मियों में शिफोन होती है, सर्दी में शिफोन नहीं होगी, ठीक है। कुछ कपड़ों की आप देखो फील भी जो होती है ना, कलर्स की फील भी, और कुछ कपड़ों के मटेरियल की फील भी सर्दियों के लिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप कुछ भी कर लें, कितना ही अच्छा जोड़ा पहन लें, लेकिन अगर वो लाइट वेट होगा, अगर वो उसका कलर पेस्टल होगा, तो वो विंटर वेडिंग में नहीं जाएगा। तो आपने कलर्स का बहुत ध्यान रखना है। सिल्क भी अगर आप चूज कर रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा उसको आप डार्कर टोन्स में चलिए। ओके, और अगर हम ट्रेंड्स की तरफ जाएं तो विंटर्स में हम वैसे हम लोग कहते रहते हैं ना लेयरिंग लेयरिंग लेयरिंग, अब शादियों में भी लेयरिंग है। अब वो लेयरिंग कैसे है और कैसे स्टाइल करना है ये अब हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले लेकिन जो पहली वीडियो है वो साड़ियां हैं। ओके, ठीक है, विंटर्स में साड़ियाँ बहुत ज्यादा इन होती हैं। मुझे तो सुन के ठंड लग रही है फातिमा। रीजन बताती हूँ, देखो क्योंकि साड़ी वो लिबास है जिसमें लेयरिंग इज वेरी इजी, ठीक है। आप साड़ी के नीचे अपना पेटीकोट पहनते हो, पेटीकोट के नीचे आप आराम से अपना थर्मल, अपने लेग वार्मर्स और ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। हम जब स्ट्रेट पैंट या चूड़ीदार पहनते हैं ना, उनके नीचे लेग वार्मर्स और वो चीजें पहनना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी मटेरियल पहन रहे हैं, और इस्लामाबाद की पीक ठंड में या नॉर्दर्न एरियाज में आप तो खैर लाहौर में भी ठंड है, हर जगह ठंड है, कराची में ठंड है, हाँ बिल्कुल। तो आई वुड से कि थर्मल्स जो है ना आपके जरूर होने चाहिए, और मर्दों और बच्चों की बचत हो जाती है, कहती है लड़कियों की, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने तो जी हमने तो सूट पहन लिया, सही बताओ ना, उनका किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता, उनका खाली मटेरियल पे फर्क पड़ता है। वो लोग समर्स में भी आप देखो ब्लेजर्स भी पहनते हैं, वेस्टकोट्स भी पहनते हैं, शलवार कमीजें उनकी होती, खाली वो वार्म मटेरियल्स पर आ जाते हैं, दे आर लाइक गुड टू गो। एग्जैक्टली, मुसीबत सारी हमारे लिए होती है, क्योंकि हमारे अपने ज़हन में भी प्रॉब्लम है। अब चलते हैं पहले उनकी तरफ, साड़ियों की तरफ, कि साड़ियों में मटेरियल और कलर्स कौन से इन है विंटर वेडिंग्स। ठीक है, आइए देखते हैं।
फातिमा इनको देखकर मुझे ठंड लग गई है, स्पेशली स्लीव्स जब मैं देख रही हूँ तो मे बी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये खुद कंफर्टेबल है। अच्छा, अगर हम अपने घर के बड़ों से पूछें ना, तो वो हमेशा कहती है कि शादियों में बच्चियों को ठंड नहीं लगती। हाँ ठीक है, और जैसे ही हम घर शादी से वापस आते हैं तो हमारी लेयरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अच्छा, अब अगर हम कहें कि एक तो डे वेडिंग्स होती है, ठीक है, बहुत आप देखो शादियाँ, सर्दियों की जो शादियाँ हैं उनमें बहुत सारे जो फंक्शन है वो हमारे दिन में आ रहे होते हैं। और दिन में सारे आउटडोर फंक्शन ही ज्यादातर अच्छी धूप निकली, बिल्कुल। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आउटडोर फंक्शन में आपने नॉर्मल कलर्स पहनने हैं, रात वाले बहुत डार्कर टोन्स में नहीं जाओ, ठीक हो गया, मतलब पेस्टल और आपने उनके बीच के कलर्स आप पहने। अब आप देखो इसमें बड़ा अच्छा फूशिया पिंक था तुमने, जिस तरह बहुत अच्छा पिंक पहना हुआ, ठीक है, ग्रीन मैंने देखा, ग्रीन बहुत मजे। आप ब्लैक भी पहन सकते हो, लेकिन अब आप ये देखो कि ब्लैक इज अ डार्क कलर, लेकिन अगर आप ब्लैक को सिल्क में, जिस तरह उसने चुनरी की साड़ी पहनी हुई थी, वो ब्लैक थोड़ा सा लाइटर सिल्क में हमेशा एक शाइन की वजह से कलर आपका थोड़ा मध्यम हो जाता है। अब अगर हम स्टाइलिंग और उसकी तरफ जाएं तो हमारे पास आगे भी कुछ वीडियोस में हम दिखाएंगे भी, लेकिन आप अपनी साड़ियों के ऊपर आराम से ब्लेजर्स भी पहन सकते हो। अच्छा, वो किस तरह से? वेरी स्टाइलिश। अच्छा ठीक है, हमने देखा है कि अक्सर साड़ी जब पहन रहे होते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग कोट्स का, स्पेशली रात की जो शादियां रात में जो होती हैं, पता है लॉन्ग कोट्स बहुत ज्यादा इन। देखो सबीन, अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचें कि अगर हम लोग अगर कोट्स या हम लोग शॉल्स लेते भी है ना, तो हम लोग हमारे माइंड में ये होता है कि हम हॉल के अंदर जाके या अपने वेन्यू पे जाके हम उतार देंगे, ठीक है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम इस चीज को स्टाइल ही ऐसा करें कि अंदर वेन्यू पे जाके भी वो हमारा कंफर्ट जोन ही रहे। Exactly. आप उस फंक्शन को एंजॉय ही तब करोगे, उधर ठटर ठटर के ना हम लोगों से मिलेंगे ना हम खाना खा सकेंगे, सीरियसली। लेकिन फातिमा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है जो कहा जाता है कि लड़कियों को तो ठंड नहीं लगती? और वाकई ही नहीं लगती, पता नहीं, हमने देखा है literally. वो जो टाइम लाइन होती है ना उसमें ठंड नहीं लगती, यही तो मैंने कहा। एग्जैक्टली, उस टाइम पर दिमाग नहीं लगेगी ठंड, दिमाग में ठंड नहीं है। ये बात है कि हमें फैशन है, दिमाग में ठंड नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ अब देखो कि मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने फैशन को अपने लिए कंफर्टेबल कर लेंगे, हम मर्दों का क्या, हमने भी ये बात की कि उन्होंने, वो अक्लमंद है, सीरियसली, कि उन्होंने अक्लमंद है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको मैं पॉइंट ये कह रही हूँ कि आप देखो उन्होंने फैशन को अपने लिए कंफर्टेबल किया है, तो ना दिस इज द हाई पॉइंट कि हमें भी अपने फैशन को अपने लिए कंफर्टेबल करना है, ठीक है, हमें अपने मटेरियल्स को ही चेंज कर लेना, ठीक है। हम किस तरह से उसको कर सकते हैं, हमारे पास कुछ और वीडियोस भी हैं। अच्छा जी, अब ये मटेरियल, अब जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम काम वाले कपड़े दिखा रहे हैं, मगर वो मटेरियल इज वेलवेट, ठीक है, तो आए हम वो देखें। चलें जी, आइए देखते हैं। वैसे फातिमा, वेलवेट में भी आप मुझे वीडियो चल रही थी तो फातिमा मुझे कह रही थी देखो वो कितने खुश हैं, उनको लग ही नहीं रही ठंड। उसकी वजह ये है कि मे बी उन्होंने वेलवेट पहना हुआ है और वेलवेट और है ही विंटर स्टफ। देखो यही तो मैंने आपको कहा, इस पूरी वीडियो में आप देखो सारे काम वाले कपड़े, ठीक है, साड़ियाँ, आप किसी भी चीज़ में जा सकते हो, बस आपने अपने मटेरियल को चूज़ करना है। सिल्क भी मैंने शुरू में क्यों कहा कि शिफॉन को आप नहीं पहनेंगे विंटर्स में और सिल्क में जाएंगे, क्योंकि सिल्क में भी जितने ग्राम्स आप हैवी जाते जाते हो
उतनी हैवी सिल्क आपकी होती जाती है, तो यू हैव टू चूज द हैवीएस्ट ग्राम ताकि आपकी सिल्क मोटी हो जाएगी, तो फिर आपको उसमें ठंड नहीं लगेगी। मैंने कलर्स देखे कितने खूबसूरत है ना, सिल्क हमने देखा है कि वेलवेट के कलर्स में कितने खूबसूरत। और वैसे अगर हम ट्रेंड के हिसाब से कहें तो वेलवेट इस वक्त सबसे ट्रेंडीएस्ट मटेरियल, सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल भी चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात मत करो, डिपेंड्स कि आप कौन सी वेलवेट ले रहे हो। वेलवेट में भी ग्राम्स है और वेलवेट में भी क्वालिटी है। प्योर शिफोन वेलवेट, अब शिफोन वेलवेट इज द प्योरेस्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो शिफोन है, उसकी जो फॉल है वो शिफोन की है। इस वक्त जो आपने वेलवेट पहना ये कौन सा? ये शिफोन वेलवेट, ये शिफोन वेलवेट हाँ, लेकिन एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। देखो इसकी एक फॉल आ रही है, इसको मैं जिस तरीके से मोड़ना चाहूंगी, शाइन आ रही है इसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिफोन वेलवेट थोड़ी पतली होती है एंड इट्स वार्म, बेसिक चीज है कि इट्स वार्म, ठीक है। अब इस तरह माइक्रो वेलवेट भी आती है, माइक्रो वेलवेट मोटी होती है, वो आपके गाउन्स के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। आपने ये देखना है, अगर आपने गाउन बनाना है तो आप माइक्रो वेलवेट लेंगे, अगर आपने फॉल वाली चीज बनानी है, साड़ी बनानी है, या आप अब जिस तरह मेरा ये ब्लेजर था लेकिन आई वॉन्ट फॉल इन इट, मुझे इसमें अकड़ी भी लुक नहीं चाहिए थी, तो मैंने शिफॉन वेलवेट ले ली, ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं और क्या चल रहा है। आइए जी अगली वीडियो पे चलते हैं। जबरदस्त, ये भी अच्छा, काम वाले थे सारे बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या था कि आप ये देखो, इसके अंदर उन्होंने वेलवेट की शॉल, वो शॉल्स भी ली हुई थी, ठीक है, उनके ऊपर काम था हाँ। और अगर आप वेलवेट का पिशवास भी बनवा रहे हो, वेलवेट की पिशवास बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है, वेलवेट की पिशवास बना रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर फिर आपकी वेलवेट की शॉल ही साथ में नहीं होगी, ओके, क्योंकि जब दो चीजें वेलवेट की होंगी तो वो टू मच होकर टू लाउड हो जाएगा, और दोनों अगर वेलवेट की होंगी तो वो चिपक भी जाती है, अनकंफर्टेबल होता है, हाँ बिल्कुल। वो तो चलो आप पेन करके वो कर लेते हो हैवी उसको, लेकिन वो एक चीज आंखों को देखने में प्लेजेंट भी तो लगनी चाहिए ना, बिल्कुल। तो लेकिन अगर आप प्लेन अपनी पिशवास कर लेते हो ना, तो काम वाली, क्योंकि हम स्पेसिफिक शादी के सीजन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चीज देखो कि वेलवेट्स के ऊपर काम भी हो रहा है, आपका कंफर्ट जोन भी रह गया, ठीक है, और आपने आराम से एक कपड़ा हैवी कर लिया और दुपट्टे को या एक चीज पे काम करा लो, ठीक है, ओके। और वैसे ट्रेंड में बहुत ज्यादा है शॉल्स, तो शॉल के ऊपर आप काम कराए, धागे का, दबके का, कोरे का, जिस मर्जी का। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि पिशवास जो होती है वो सिंपल होती है, और जो शॉल्स हैं उन पे काम ही होता है, या मे बी अगर पिशवास पे काम होगा तो आप शॉल सिंपल ले रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा वेलवेट का अगर आपने आपने कोई भी सूट बनाया, चाहे वो लॉन्ग शर्ट है, चाहे वो पिशवास, तो आपने किस तरह से किस स्टफ में आपकी शॉल होनी चाहिए? देखो शॉल के लिए आपके पास बहुत सारे, आप किस आपने देखना है, अगर आप काम करा रहे हो दुपट्टे के ऊपर काम है तो आप शिफॉन का दुपट्टा ना लो, ठीक है, आपका जो दुपट्टा है वो क्या उसे मैं कहूंगी शीर मटेरियल, मतलब वो सी थ्रू मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ओपेक मटेरियल में नहीं होगा, आपको नजर आना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ही आपकी विंटर लुक आएगी। शिफोन कॉर्ड्राई मटेरियल आजकल बहुत ज्यादा इन हुए, ग्रिप के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, सिल्क के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और ये जो हमने दिखाया है जो वेलवेट नहीं थी वो ग्रिप या सिल्क यूज, ठीक हो गया, ठीक है, उससे आपकी वार्म लुक आएगी। शिफोन आपने बिल्कुल, शिफोन और गेंजाज विंटर्स के नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सी थ्रू मटेरियल, और गेंजा तो वैसे ही, पर मुझे अगर कोई पूछे कि सबसे बुरा स्टफ कौन सा लगता है तो मुझे ऑर्गेंजा सबसे बुरा स्टफ लगता है, बिकॉज उसको वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल। अच्छा जी अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और वो है गाउन्स की, हमारी वीडियो है गाउन्स और ब्लेजर्स और ये अपर्स जो है आपके बहुत ज्यादा। अब ये जो मैंने शुरू में बात की थी कि लेयरिंग आपने कैसे करनी, चलिए जी आकर अभी हम देखते हैं जरा इन्होंने लेयरिंग कैसे की हुई है। Thank you.
पहले स्टाइलिंग में देख रही थी कितनी अच्छी हुई है, और फातिमा इसके अलावा एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, लेयरिंग पे कितना फोकस था। एग्जैक्टली, और एक और चीज ये कि ये सारे जो कपड़े हैं ये आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। अच्छा देखें, अब अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो जो हमारा पहला गाउन था जो येलो वाला गाउन था, अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास कोई भी पुराना सिल्क का दुपट्टा या वो चीज़ पड़ा हुआ है, हम लोग एक या दो, हम एक तो हमारा ये भी बहुत है ना, हम रिपीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आज जब आप भरी हुई चादर ले लोगे ना, तो एक या दो शादियों पे वो चला लो, उसके बाद आप ये भरी हुई कोई भी चादर ले और उसको गाउन में या अपने कोट में आप टर्न कर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब अगर हम इसको लेयरिंग और सर्दियों के हिसाब से देखें, तो हमेशा जब भी गाउन या आप कोट सिलवाते हो ना, तो यू हैव टू मेक श्योर उसके अंदर की लेयरिंग जितनी अच्छी होगी, अंदर की लेयरिंग से मुराद है जो अंदर की लाइनिंग है वो होगी, तो आपके गाउन के अंदर जान भी आएगी और डेफिनेटली आपकी सर्दी से बचत भी होगी, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये लास्ट देखा कि इन्होंने, ये जो हमारी एक्ट्रेस है नाजिश, इन्होंने बिल्कुल वो किया हुआ है उसके ऊपर, साड़ी के ऊपर बहुत खूबसूरत काम वाला उन्होंने ब्लैक वेलवेट का कोट पहना। हम जब ये वीडियो चल रही थी तो आप यही बात कर रहे थे कि ये सबसे अच्छा लगा। अच्छा, अब आप ये देखो कि उनकी आपने बहुत बारीक चीज देखी, क्योंकि उन्होंने उसको स्टाइल ऐसे किया हुआ था। हम शादियों पर जाएंगे तो हमें ये लगता है कि ये जो ये वाली जो लुक है ना, ये कैजुअल लुक है। अच्छा, उस उनके स्लीव्स ऐसे ऊपर रोल्ड थे, उन्होंने बन किया हुआ। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी फुल स्टाइलिंग पे फिर बहुत फोकस होगा, तो ये जो हम ब्लेजर्स अंदर जाके अपने वेन्यू पे जाके उतार देते हैं, हमें नहीं उतारने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप वेलवेट या वो पहन रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि सर्दी में बाल चार्ज होते हैं, और वेलवेट से सबसे ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। तो ये मैं पॉइंट खाली इसलिए कह रही हूँ कि आप कोशिश ये करें कि या तो वो उसी दिन का वॉश आपका नहीं होगा बालों का, तो आपका ब्लो ड्राई स्टे करेगा, आप ड्राई शैम्पूज यूज करेंगे, और अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप बालों को बन में टर्न कर लेंगी, और नेक के बंस आजकल बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत, गाउन के ऊपर बन बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब आप ये देखो ना, अगर आपने काम वाला गाउन पहना हुआ है, ऊपर आप बाल भी खोल लेते हो, नीचे साड़ी और उसका भी ड्रेप, फिर वो टू मच हो जाए, टू मच। तो कहीं पे आपने अपने आप को स्क्वीज एंड बैलेंस करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली वीडियो, एक आखिरी वीडियो हमारे पास है, बिल्कुल, और वो लड़कियों की वीडियो है, छोटी बेबीज की वीडियो है, कि आप उनके फ्रॉक्स और उनकी चीजों को कैसे कर सकती है। तो बहुत सारी मदर्स जिनके ये भी मसाइल होंगे, अच्छा जी हमने तो कर लिया, अब हमने बच्चों को कैसे ड्रेसअप करना है। बच्चों की आप नीचे की लेयरिंग बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है, और फिर हम ये वीडियो दिखाते हैं कि ऊपर की लेयरिंग में इनका क्या चीज। चलिए आइए देखते हैं। अरे वाह फातिमा, मैं तो कहूंगी आपकी और मेरी स्टाइलिंग तो वही रहे, छोड़े हाथ छोड़े, बच्चों को देखे, अब कलर्स देखे, उनके सर्दियों में उनके शरारे देखे, शरारे देखे, मैं कहती हूँ दोबारा बच्चे बन जाते हैं, दोबारा बच्चे बन जाते हैं। एग्जैक्टली, हर चीज आप पे अच्छी तो लगे बगैर किसी अच्छी इस वजह से कि ये जितनी भी इस वक्त हमने बच्चियां देखी हैं, ये सारी बहुत कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने कुछ भी पहना। ये तो वो बात है, किसी भी चीज को कैरी करने का एक मेन वजह, एक तरीका है कि कॉन्फिडेंस दिखी। हाँ,
एग्जैक्टली तो और आप हमेशा बता रही होती हैं फातिमा के इनकरेज करती हैं इस चीज़ को कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें जो आपको पसंद है जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो पहने और साथ में आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ महंगी है तो वो तभी अच्छी लगेगी। इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, मुझे ये लगता है कि आप महंगी चीज़ भी पहन लो लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको खुद ही कहीं ना कहीं एक डाउट है और वो बात है कि आप उसको कैरी अच्छा नहीं कर रहे तो वो चीज़ का सारा और बहुत सारी चीज़ें हम जिस तरह आज भी हमने बताई और बहुत सारी चीज़ें हम साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि आप ये सारी चीज़ें खुद बनवा सकते हैं। आप अपने आप कपड़ा खरीद के लाएँ, आपको हमने स्टाइलिंग करनी सिखा दी कि आपने किस तरह से इसको बनाना है, डिज़ाइन किस तरह से करना है और आप जाके अपनी दर्जी से उसको स्टिच करवा सकते हैं। इस तरह से हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी साथ बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा बहुत मज़े का सेगमेंट था, मैंने तो लास्ट वाली वीडियो मेरी फेवरेट गई है, अभी तक की मेरी फेवरेट गई है। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अब सोशल मीडिया की जानिब। उसमें मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे साथ साथ पूछूंगी तो आप मेरा साथ देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम पिक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बहादुर खान ने चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी बर्फबारी का मंजर है। वाह भाई वाह। आजकल वैसे विंटर्स में ना जो एक चीज़ आ रही है, हमारे पास सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज के पिक्चर्स सबसे ज़्यादा आ रही है और हम शामिल भी करें क्योंकि सर्दियाँ वैसे भी अब इतनी मुख्तसर सी हो गई हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम इंजॉय करें, चाहे हम जाके नहीं कर रहे लेकिन आप हमें जो है वो बर्फबारी दिखा देते हैं अपने इलाके की। थैंक यू सो मच बहादुर खान। अच्छा जी, अब्दुल मलिक ने AJK से हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। जनाब कश्मीर में भी बर्फ पड़ चुकी है, फातिमा दिल कर रहा है जाने का? मैं हो आई हूँ, हो ये तो हर वक्त घूमती फिरती रहती हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच अब्दुल मलिक। सोबिया जावेद ने चकबेली से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी सोबिया ने हमें क्या भेजा। अरे वाजा, हमने बर्फ दिखाई, देख लिया, हम ये एंजॉय करते हैं इस्लामाबाद में ग्रीनरी, लेकिन ये हमें कितना मजा आता है। एग्जैक्टली, वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या बात है सोबिया, थैंक यू सो मच। लारे भूमा ने चकवाल से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं, ड्रॉइंग भी हमें रिसीव हुई है, खूबसूरत जबरदस्त स्केच, साथ साथ इसके देखें तो किस तरह से शेडिंग इन्होंने कितने मज़े से की हुई है आउटलाइन पे और इस जो ट्री को बिल्कुल प्रोमिनेंट किया हुआ है। लारे थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बढ़ेंगे कुछ मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले हमें अरहम ने रावलपिंडी से मैसेज भेजा है, अरहम कहते हैं कि प्लीज़ मेरा पैगाम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन स्कूल जाने से पहले पापा से मोबाइल फ़ोन लेकर मैसेज भेज रहा हूँ, आपका प्रोग्राम रोज़ाना बहुत अच्छा होता है। अरहम थैंक यू सो मच, आपने इतनी एफर्ट पुट की कि आपने बाबा आपके बाबा ने आपको फ़ोन दे दिया, बिल्कुल परमिशन लेकर ही आपको फ़ोन यूज़ करना चाहिए, थैंक यू सो मच। आसमा रहमान ने दामने कोट से हमें मैसेज किया है, आसमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा और सोशल मीडिया वाला सेगमेंट मैं ज़रूर देखती हूँ, मेरी अम्मी आपका शो रोजाना देखती हैं, हम साथ साथ नाश्ता करते हैं और आपकी सारी बातें गौर से सुनते हैं। आसमा थैंक यू सो मच, और जिस तरह देखें आपकी बातें भी हम गौर से सुन रहे होते हैं, आपकी तरफ से भी बातें आ रही होती हैं हमारे तक, तो बहुत शुक्रिया। नाम और शहर हमें नहीं पता लेकिन मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम सबीना आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन शॉल रख कर आएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोच लिया है, मेरे लिए ना कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं फातिमा जुदून नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत मैं बहुत क्लमजी हूँ और जब मैंने शॉल या मैंने दुपट्टा उस तरह से लिया जिस तरह मैंने लिया पर मैं बार बार मुझे इसको ऐसे ऐसे मैं सेट कर रही हूँ, तो यही हो रहा होता है कि शॉल के लिए भी मुझे पूरी जो है ना वो एक अपना माइंड बनाना पड़ता है, किया करो है ना, ये जब जो, जो जो स्टार्टर्स होते हैं ना शॉल वाले उनको पिन कर लेना चाहिए, पिन करना जरूरी होता है। चल ठीक है, आज मैं फातिमा से स्टाइलिंग ये सीखूंगी और मैं शॉल जरूर पहन के आऊंगी। अच्छा जी, फरा अलवी ने पाकपत्तन से हमें मैसेज भेजा है, फरा कहती है राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम की ट्रेन तो वाकई बहुत पुरसकून है इस ट्रेन में, वो कहते हैं कि आप जब सफ़र करते हैं तो आप पूरे पाकिस्तान की सैर करते हैं और जो भी हमें चाहिए वो मालूमात हासिल कर लेते हैं, मैं अपनी सारी सरगर्मियाँ एक तरफ रखकर प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान देखती हूँ। जी फरा थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, हमारी कोशिश होती है कि आप ट्रेन के डब्बे में बैठें और उसके बाद आप सफ़र करें पूरे पाकिस्तान का जैसे कि हम सब कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खदीजा ने रवाद से हमें मैसेज भेजा, खदीजा कहती हैं फातिमा से मेरा सवाल है कि क्या फैंसी कपड़ों के साथ हम गर्म शॉल ले सकते हैं क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि ये आउट तो फैशन हो चुका है, जल्दी जल्दी हम जवाब देंगे। देखें, अगर तो आप मिडिल एज के हो तो आप उसके साथ शॉल भी ले सकते हो और ब्लेजर्स और जिस तरह हमने कहा कि लॉन्ग कोट्स और वो चीजें भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप शॉल भी लेते हो बस आप ये देख लो कि वो आपके सूट के साथ
उसके कलर्स और वो जो है थोड़े मैच हो जाए, मैच नहीं भी है तो एटलीस्ट न्यूट्रल के शेड्स में आप जरूर चले, ठीक है, ठीक है, और वो हमेशा प्यारा लगता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, नूर फातिमा कहती है कि फतेह जंग से उन्होंने हमें मैसेज भेजा, वो कहती है कि फातिमा आप ही मुझे ये पूछना था कि सर्दियों में काम वाले कपड़ों का इंतखाब करें कि सिंपल बनवा के हैवी ज्वेलरी के साथ हम उसको कैरी करें। दोनों चीज कर सकते हो, अगर काम वाले कपड़े बनवा रहे हो तो डेफिनेटली मटेरियल शिफोन या ऑर्गेन्जा नहीं होगा, मटेरियल सिल्क या आप वेलवेट की तरफ जाओगे, और वेलवेट के क्योंकि इन सेल्फ इट्स ए लग्जरी सा फैब्रिक है तो उसके साथ आप ज्वेलरी और ये चीजें कर सकते हो। बिल्कुल ठीक हो गया फातिमा, जल्दी जल्दी से मैं कह रही हूं कि कवर कर दे। आलिया ने गुजरांवाला से हमसे पूछा है कि मुझे ये पूछना था कि वो कहती है कि कहा जाता है कि सर्दियों में सिर्फ आप डार्क कलर्स का इंतखाब करें, आप अगर आप लाइट कलर्स में जाते हैं तो उन वो भी आउट ऑफ फैशन उसको समझा जा रहा होता है और कहते हैं कि नहीं ये समर के कलर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जिस तरह हमने अभी देखे वेलवेट के जो कुछ कलर्स दिखाए हैं वो लाइटर थे, लेकिन क्योंकि आपका कपड़ा जो है वो सर्दियों वाला है तो वो आराम से आप उसमें लाइटर मिडिल टोन पहन सकते हो। ऑफ वाइट्स और वो भी लोग पहन लेते हैं, लेकिन आपका कपड़ा जो है वो वेलवेट या ब्रोकेड या प्लची वो चीज होनी चाहिए। ठीक हो गया। नायाब मुजफ्फरगढ़ से पूछ रही हैं कि मुझे शादियों में शिफॉन या जो मसूरी बोलते हैं, मसूरी कपड़े पहनने का शौक है, ऐसा बताएं कि इसके साथ क्या पहनूं कि मुझे ठंड ना लगे और अम्मी की डांट भी ना पड़े। बिल्कुल, एक तो आप थर्मल्स का इस्तेमाल करें मेन चीज, ठीक है, और दूसरी बात ये कि साथ में या वही बात के ऊपर या तो ब्लेजर कर लें या शॉल को बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रेप करें कि आपकी सर्दी कवर हो। ठीक हो गया। आखिरी मैसेज है, रुखसाना कहती है कि अच्छा ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मरीज से मैसेज भेजा, रुखसाना कहती है कि बहुत अच्छी मिलियन डॉलर एडवाइस बताई आज, अक्सर वो कहती है कि हम जाने अनजाने में बच्चों की आदतें खुद ही पुख्ता कर रहे होते हैं, उनको डेवलप कर रहे होते हैं और बाद में जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं कि अच्छा इसकी गलती है। जी बच्चे की भी गलती होती है, साथ साथ आपने भी ध्यान रखना होता है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे मैसेजेस भेजने के लिए फातिमा। बहुत सारे और मैसेजेस थे लेकिन वक्त की कमी के बाद मैं नहीं शामिल कर सकी, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊंगी और हम आगे किसी प्रोग्राम में बिल्कुल जरूर कर रहे होंगे। सो बहुत शुक्रिया। अब आपको लेकर चलते हैं पेशावर, और पेशावर में आपकी मुलाकात करवाते हैं इब्राहिम कमाल साहब से और मुंतजिम शाह से। इब्राहिम कमाल की अगर बात करें, इस वक्त पी टी वी की स्क्रीन पे जितने भी लोग स्क्रीन से वाबस्ता हैं हमेशा से देखते आ रहे हैं तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम देख रहे होते हैं जो हम कहते हैं कि इतनी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है। सो जिस तरह जुनून है जमा की हम बात करें तो इसके पीछे एक टीम होती है, टीम वर्क होती है और एक लीडर होता है। तो इब्राहिम कमाल ने इस तरह की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान टेलीविजन को दी हैं जो बहुत सारी आप देख भी रहे होते हैं, और साथ साथ मुंतजिम शाह एक्टर भी हैं और साथ साथ उनके साथ मिलकर इसमें काम भी करते रहे हैं। इन दोनों की बहुत मज़े की स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में हमने बहुत सारी बात भी की, टिप्स भी ली, और साथ में बहुत एडवेंचर है। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कुछ ऐसे क्लिप्स भी आपको दिखाने अभी हम लगेंगे जो कि आप देख कर दंग रह जाएंगे और आप कहेंगे ओ माई गॉड, या तो आप कहेंगे मुझे ये करना है या आप कहेंगे मुझे ये नहीं करना। आखिर ये माजरा क्या है, आके चल के देखते हैं।